सोचो आप इंडिया में बैठे हो और दुबई में आपको टीचिंग जॉब मिल जाए। बट कैसे? अगर सुनना है तो पहले जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, एंड अगर कर लिया है तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज ऐसी तीन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, और सुनो अगर तीनों आपको पता होना तो एक सरप्राइज में लास्ट में जो आपको दुबई में टीचिंग जॉब दिलाने में मदद ही नहीं शायद जॉब दिला ही देगी। चल झूठा। इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके बहुत लोगों की ऑलरेडी जॉब कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहले अपने रिज्यूमे को दुबई स्टैंडर्ड का बनाओ। अरे रुको, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि इसने फिर से वही पुराना घिसा पिटा भाषण देना शुरू कर दिया है, बट इस बार ट्विस्ट है। सुनो, टीचिंग के फील्ड के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट और कीवर्ड्स यूज करो। दुबई के स्कूल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिज्यूमे को कस्टमाइज करना इतना जरूरी है जितना आपके लिए सांस लेना। ज्यादा से ज्यादा दुबई के टीचर प्रिंसिपल को कनेक्ट करना स्टार्ट करो लिंक्डइन पर। दुबई के रिक्रूटर्स लिंक्डइन पर भी एक्टिवली सर्च करते हैं। प्रॉपरली लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करो, उससे क्या होगा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी लिंक्डइन पर। डायरेक्ट स्कूल वेबसाइट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पर जाओ और अप्लाई करो। काफी स्कूल अपनी वेबसाइट पर ही जॉब ओपनिंग पोस्ट करते हैं, इससे आप डायरेक्टली एचआर के कॉन्टेक्ट में आते हैं। एक बात और, जेम्स एजुकेशन, एंड यहां पर आपको जेम्स एजुकेशन की वेबसाइट पर जरूर अपना सीवी अपलोड करना है। दुबई में सबसे ज्यादा स्कूल जो है वो जेम्स एजुकेशन के हैं। दुबई में टीचिंग जॉब्स के लिए रेलेवेंट सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। देखो कि आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है, और अगर जरूरत हो तो एडिशनल सर्टिफिकेशन भी लो। अरे हाँ, आपने फॉलो कर लिया था ना, तो चलो टीचिंग कमेंट में लिखिए। अगली वीडियो में इन सर्टिफिकेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा।